महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को सेवा सत्याग्रह के तहत तारामंडल स्थित जीडीए गेट के पास कैंप लगाकर महानगर के 70 वार्डों के पार्टी अध्यक्षों में कोरोना से बचाव के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का वितरण किया गया, जिसके संबंध में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने बताया कि कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए वार्डों में सैनिटाइजेशन के लिए एक टैंकर सोडियम हाइपोक्लोराइड भेजा गया है, जिसको देखते हुए महानगर के सभी वार्ड अध्यक्ष में सोडियम हाइपोक्लोराइड का वितरण कर दिया गया है। अब वार्ड अध्यक्ष अपने वार्ड में घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे, जिससे कोरोना महामारी की तीसरी लहर पर नियंत्रण पाया जा सके। इस अवसर पर राकेश राम त्रिपाठी, प्रणव उपाध्याय, सलमान अहमद, दिलीप कुमार निषाद, श्याम शरण श्रीवास्तव, रोहन पांडे, धर्मेंद्र पासवान, जितेंद्र विश्वकर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, अरे हम 8 बजे आशुतोष तिवारी, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। किस तरह का देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने प्रदेश के सभी जिलों में और जिसके क्रम में आज गोरखपुर में उन्होंने हाइड्रोक्लोराइड सैनिटाइजर 30,000 लीटर भेजने का कार्य किया है। आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यह छिड़काव और जो जहां कीटाणु वगैरह हैं वहां पे छिड़काव करके कोरोना महामारी से बचने के लिए, जो कि अभी संभावना तीसरी लहर आएगी उससे उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर हम सभी लोग गोरखपुर महानगर में वार्ड वार्ड में आम जनता के बीच में सैनिटाइजर वितरण का कार्य कर रहे हैं और सैनिटाइजर छिड़काव का भी कार्य कर रहे हैं, जो आदरणीय प्रियंका जी ने और आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने हम लोगों के लिए भेजा है, ताकि आम जनमानस के लिए यह सहायता हो सके और आम जनमानस को लाभ मिल सके।